ठीक है इस पॉइंट को भी डब्ल्यू ए कहेंगे ऐसा नहीं है कि यहां पे कोई नाम अलग होगा बस ये होगा एम बी के ऊपर एम बी मरतब मार्केट प्राइस फॉर्मेट की मैं बात करूं तो फॉर्मेट जैसे लास्ट क्लास में देखा था और इसमें है क्या एक बार मैं फॉर्मेट बना लूं और जिसको डब्ल्यू ए सीसी बुक वैल्यू पे पता है उसको फर्क ही नहीं लगेगा इसमें क्या है बस थोड़ा सा चेंजेस है और एक पॉइंट मैंने छोड़ा हुआ है कौन सा रिटेन अर्निंग का वो क्वेश्चन के बीच में आएगा या फिर मैं कोई अलग से क्वेश्चन लेके फिर कराऊंगा सबसे पहले क्या लिखा था हमने सोर्स सोर्स के बाद क्या था अमाउंट अमाउंट के बाद कॉस्ट फिर प्रोडक्ट सर आप बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू की बात समझते हैं ये देखिए है, ये बैलेंस शीट है बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल जो है वो मान लेते हैं दस लाख का है बैलेंस शीट में जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो कितने का है दस लाख का बैलेंस शीट में जो डिबेंचर है टेन परसेंट वो है पांच लाख बैलेंस शीट में टेन परसेंट प्रिफरेंस शेयर कैपिटल है वो दो लाख जो चीजें बैलेंस शीट के अंदर लिखी हुई है इनको कहते हैं हम बुक वैल्यू इनको क्या कहते हैं हम बुक वैल्यू जो बैलेंस शीट के अंदर है सर आज के डेट पे वैल्यूएशन के हिसाब से इसका कोई ना कोई तो मार्केट वैल्यू होगा सपोज ये बारह लाख है तो ये कौन सा वैल्यू हो गया सपोज ये आठ लाख भी हो सकता है तो कौन सा वैल्यू हो जाएगा क्योंकि कैपिटल का मतलब हमने क्या देखा था तीन बातों पे ही था या तो हो सकता है इक्विटी शेयर कैपिटल या हो सकता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल या हो सकता है डेट कैपिटल यही देखा था हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में तो अगर हम बात करते हैं यहां पे तो सर इन सभी का मार्केट वैल्यू भी गिवन होगा तो जब हम यहां पे लिखते हैं ना इक्विटी शेयर कैपिटल तो इक्विटी शेयर कैपिटल में अगर मैं यहां दस लाख रुपए कोट कर दू तो बुक वैल्यू के हिसाब से लेकिन वही चीज अगर मैं यहां पे देखा जाए तो मैं दस के बजाय मैंने यहां पे लिख दिया मार्केट वैल्यू बारह लाख तो किसके हिसाब से हो गया ये डब्ल्यू ए सी सी मार्केट वैल्यू के हिसाब से फर्क इतना ही है यानी सर क्या क्वेश्चन में हमें किसी का मार्केट प्राइस गिवन होगा डेफिनेटली आपको मार्केट प्राइस गिवन होगा जैसे पी जीरो गिवन होता है सर अब पी जीरो क्या होता है मार्केट प्राइस नंबर ऑफ शेयर पता है मल्टीप्लाई करिए क्या आ जाएगा मार्केट वैल्यू

हो सकता है मैंने आपको इक्विटी और डिवेंचर का दिया प्रेफरेंस का दिया नहीं तो प्रेफरेंस का जो बुक वैल्यू है वही यहां कोट कर देंगे ठीक है ना बाकी के ई के डी के पी जैसे निकालते थे वैसे निकलेगा उससे फर्क नहीं पड़ेगा सिर्फ इस वाले लाइन में चेंजेस आना है तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारा कॉस्ट कॉस्ट जैसे पहले निकाला करते थे वही रहेगा कोई बदलाव नहीं है यहां पे क्या आ जाएगा प्रोडक्ट जैसे पहले निकाला करते थे वही रहेगा अगेन फिर से हमारा ये वाला टोटल लेंगे हम और ये वाला टोटल और डब्लू ए सी सी क्या रहेगा हमारा सिग्मा प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सिग्मा अमाउंट ले लो हाँ सॉरी सिग्मा अमाउंट इनटू में सौ समझ में आई बात है आपको तो बस इसके अंदर कुछ ज्यादा ऐसा है नहीं तो मैं सोच रहा हूं कि मैं क्यों ना डायरेक्टली आपको क्वेश्चन ही करा दू जिससे क्या रहेगा कि थोड़ा इजी रहेगा ठीक है ना और जब क्वेश्चन देखेंगे ना तो ज्यादा बेटर रहेगा फोन में बफर आ रहा है सर एक बार मुझे मैसेज नहीं आया होगा आज थोड़ा सा इनेबल है फोन में बफर आ रहा है तो फोन में आप एक बार करेंगे डेटा या तो एप्लीकेशन क्लोज करके एप्लीकेशन को फिर से ऑन करिए ठीक हो जाएगा वो डेटा या फिर नेटवर्क इश्यू हो सकता है और कोई दूसरा रीजन है नहीं क्या कर रहे हो चलिए क्वेश्चन देखें क्वेश्चन कहाँ है हमारा ये तो जीरो वन कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये तो क्लास है हमने क्वेश्चन कहाँ रखा था ड्राइव में रखा था है चलिए क्वेश्चन देखते हैं सीधा कुछ बच्चों ने क्वेश्चन में भी ना किया हो मैंने क्वेश्चंस आठ तो कर लिया था नाइन क्वेश्चन बोला था एक्जैक्टली exactly सेम है बस करना है चलिए जिसने नहीं किया वो अब कर लेंगे हम क्वेश्चन देखते हैं जो मार्केट प्राइस को यूजिंग करते हुए टेन अभी नहीं देखेंगे पहले सिंपल सा इलेवन क्वेश्चन करेंगे और सर इलेवन क्वेश्चन में आप ध्यान से देखोगे तो दोनों चीज़ें पूछा हो गया है मार्केट प्राइस के हिसाब से और बस एक ही पूछा है ना कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल डब्ल्यू सी यूजिंग मार्केट वैल्यू ठीक है हम मार्केट वैल्यू के हिसाब से निकाल लेंगे चलिए क्वेश्चन इलेवन करेंगे ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन मैं कर रहा हूं ना अभी एक्स्ट्रा क्वेश्चन और डालूंगा अभी जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं सारे एग्जाम के ही क्वेश्चन एक तरीके से देखा जाए तो सिंपल सा क्वेश्चन फॉर्मेट बना लेते हैं पहले पैसे इतना ज्यादा तो चाहिए नहीं स्पेस पढ़े क्वेश्चन विजुअल हर किसी को क्वेश्चन है नहीं है तो अब हो जाएगा ठीक है क्वेश्चन में क्या कहता है देखिए कैपिटल स्ट्रक्चर दे रखा है कहता है हमारे पास डिबेंचर भी है हमारे पास प्रेफरेंस शेयर भी है, हमारे पास इक्विटी शेयर भी है और उसका फेस वैल्यू दस है कहता है एडिशनल इंफॉर्मेशन में बताया जा रहा है हंड्रेड पर शेयर डिबेंचर रिडीमेबल एट पार जो डिबेंचर है वो सौ का है वो रिडीमेबल एट पार होगा फ्लोटेशन कॉस्ट टू परसेंट फ्लोटेशन कॉस्ट बताया था आपको मतलब जब कभी भी कोई सामान हम मतलब लोन वगैरह लेते हैं तो उस पर लेने का खर्चा क्या नाम से जाना जाता है कॉस्ट ईयर के बाद होगा ऑन द मेच्योरिटी जीरो मार्केट प्राइस क्या है हमारा वन जीरो का है तो यानी जब रिडीम होगा हमारा तो उसके हिसाब से देखेंगे आगे क्या कहता है हंड्रेड रिडीमेबल एट पार तीन परसेंट फ्लोटेशन कॉस्ट है एंड आफ्टर टेन ईयर मेच्योरिटी द मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोफेंशियर एक सौ छे कहता है इक्विटी शेयर क्या है हमारा हैज फोर रुपीज फ्लोटेशन कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस ट्वेंटी फोर और द एक्सपेक्टेड डिविडेंट दो रुपए द शेयर द एनुअल ग्रोथ फाइव परसेंट कॉर्पोरेट टैक्स आपको पैंतीस तो बताइए डी वन है डी जीरो है दो रुपए डी वन है डी जीरो है डी वन है ना क्या होगा ये तो सर ठीक है डी वन दे रखा है हमें कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल डब्ल्यू ए सीसी यूजिंग मार्केट वैल्यू तो सबसे पहले हमारा है इक्विटी शेयर लिख लेते हैं सबसे पहले हम लिख लेते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल आप बताइएगा क्या आएगा सर इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा हमारे पास पता है कि फेस वैल्यू दस रुपए है पचास पांच लाख का था तो नंबर कितने आएंगे और सर मार्केट प्राइस वाला चल रहा है तो मार्केट प्राइस में हमें कौन सा प्राइस लेना चाहिए बोलो चौबीस रुपए लेना चाहिए सेम ऐसे क्या है हमारा इलेवन परसेंट शेयर कैपिटल सर कितने हैं कुछ नहीं बोला हो सौ रुपए का मानेंगे और वैसे भी यहां सौ के हिसाब से साफ साफ पता चल रहा है तो बाईस सौ पचास और यहां पे मल्टीप्लाई सौ से नहीं करना क्या करेंगे मार्केट प्राइस मार्केट प्राइस कितने का है एक सौ तो बस यही फर्क है यहाँ अब सर टेन परसेंट नाइन परसेंट डिबेंचर अब आप बताइएगा मुझे डिबेंचर कितने का सौ रुपए का एक है तो सत्ताईस सौ पचास किससे मल्टीप्लाई किया जाए बताइए डिवेंचर को किससे मल्टीप्लाई किया जाए एक सौ पांच से बिल्कुल सही यहां तक कोई दिक्कत यहां तक समझ में आ गया तो पहला और अगर इसी क्वेश्चन को मैं बोलता यूजिंग आप बुक वैल्यू के हिसाब से करिए तो मैं क्या करता इक्विटी में सीधा ये ले लेता पांच लाख प्रेफरेंस में सीधा ये और यानी सिंपल सी बात है यही सारा अमाउंट सीधा मैं यहां उठाकर लिख देता समझे बात आप मल्टीप्लाई कर करके बताइए क्या आता है हमारा अमाउंट हा बारह लाख और टू थर्टी एट फाइव हंड्रेड टू डबल एट दो लाख अट्ठासी हजार सात सौ पचास अभी कॉस्ट तो निकालेंगे पहले यहां तक देखिए समझ में आया आपको यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए कि एक डिजिट मैंने फिल कर दिया है मार्केट प्राइस में ऐसा कोई बहुत बड़ा काम है नहीं सिंपल सा पार्ट है बताइए कोई डाउट है यहां तक क्लियर इसे बंद करो बंद करो बंद करो ठीक है एक बार फिर से बता देते हैं एक बार दोबारा रिपीट कर दूं क्विकली सर फटाफट हम क्या सीख रहे हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग मार्केट प्राइस मार्केट प्राइस में क्या होता है सर मार्केट प्राइस में जो हम अमाउंट लिखते थे ये क्या था हमारा सोर्स जो हम अमाउंट लिखते हैं उसको हम मार्केट प्राइस क्वेश्चन के अंदर हर किसी में गिवन होता है उसी के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करके लिखते हैं जैसे पहले वाले क्वेश्चन में इक्विटी शेयर लिया है जो कि कितना है हमारा पचास हजार तो आप ध्यान से देखेंगे सर पचास हजार कैसे निकाला कुछ बच्चे पूछ सकते हैं तो सर यहाँ पे कितना गीवन है पांच लाख डिवाइडेड बाय दस का एक है तो ये ऐसे आया पचास हजार तो सबका नंबर निकाला और हर किसी का मार्केट प्राइस गिवन है इसका मार्केट प्राइस क्या गिवन था ट्वेंटी फोर तो मैंने ट्वेंटी फोर के हिसाब से मल्टीप्लाई कर दिया जिस जिस का मार्केट प्राइस गिवन था प्रेफरेंस शेयर का भी मार्केट प्राइस गिवन था मैंने उसको उसके हिसाब से मल्टीप्लाई यहां पे कर दिया, जिसके से हमारा यहाँ पे क्या आ गया मार्केट वैल्यू एक आ गया किसी ना किसी शेयर्स का ठीक है समझ में आया अब क्या निकालना है के डी निकालना है के पी निकालना है और के निकालना है तो सबसे पहले क्या निकाले हम सबसे पहले डिबेंचर का दे रखा है तो के डी निकाल लेते हैं सर के डी जो निकलेगा के डी रिडीमेबल वाला है तो फॉर्मूला क्या होता है इंटरेस्ट वन माइनस टी प्लस आर वी माइनस एन पी डिवाइडेड बाय एन इसके डिवाइडेड बाय आर वी प्लस एन पी डिवाइडेड बाय टू इन टू मै हंड्रेड ये फॉर्मूला हो गया अप्लाई कर देते हैं हाँ तो अप्लाई करते हैं इसको मैं ऊपर के पढ़ने की जरूरत तो है नहीं चलिए आइए सर अप्लाई करते हैं इंटरेस्ट क्या होगा क्वेश्चन में डिवेंचर की बात कर रहे हैं तो नौ परसेंट है मैंने कहा था सौ पे ही मान लेना तो नौ रुपए वन माइनस टी टी दे रखा है तो वन माइनस में जीरो पॉइंट थ्री फाइव प्लस क्या था हमारा आरवी आरवी रिडीमेबल वैल्यू रिडीमेबल वैल्यू में क्या कहता है के हम क्या कहता है कि जो सौ रुपए वाला डिबेंचर है रिडीमेबल एट पार एंड टू परसेंट फ्लोटेशन कॉस्ट टेन ईयर ऑफ मेच्योरिटी जो हम रिडीम करेंगे ना वो करेंगे एट पार यानी सौ रुपए की वापसी देंगे ठीक है तो रिडीमेबल वैल्यू सौ नेट प्रोसीड्स जब हमने इश्यू किया था तो वहां पर टू परसेंट क्या लगा था हमारा फ्लोटेशन कॉस्ट तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि टू परसेंट जो फ्लोटेशन कॉस्ट मैंने सारी चीजें बताई है वो किसके ऊपर रहता है हमारा फ्लोटेशन कॉस्ट किस पे रहेगा हमारा हमेशा फेस वैल्यू पे रहेगा टू परसेंट अब यहां पे फेस वैल्यू क्या है हमारा फेस वैल्यू अगर देखा जाए तो यहां पे क्या रहा है हमारा हंड्रेड आ रहा है फेस वैल्यू सेकेंड फेस वैल्यू हंड्रेड है लेकिन एक बात और आज फिर से मैं बताता हूं जब आपका क्योंकि यूजिंग मार्केट वैल्यू कर रहे हो अगर आज की डेट पे आप लोन लेते हो ये आज का एक्सपेक्टेशन है आज की डेट पे लोन लोगे कर्जा लोगे तो आपको सौ रुपए में कर्जा मिलेगा ही नहीं आपको जो कर्जा मिलेगा किस रेट पे मिलेगा पता है 105 पे तो फ्लोटेशन कॉस्ट अगर मार्केट प्राइस वाले के हिसाब से निकालना है तो हमेशा फ्लोटेशन कॉस्ट मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट होगा अगर बुक वैल्यू वाला है तो कौन से पे निकालोगे फेस वैल्यू पे अदरवाइज मार्केट प्राइस पे तो सर फ्लोटेशन कॉस्ट अगर मैं माइनस करूं तो कितने का एक सौ एक सौ पांच में से कितने परसेंट माइनस करना है टू परसेंट निकालिए एक सौ पांच का टू परसेंट क्या होता है टू पॉइंट क्या आएगा हाँ टू पॉइंट वन हाँ माइनस करिए वन जीरो वन जीरो टू पॉइंट नाइन पता ही सही से माइनस करके वन जीरो टू पॉइंट वाइडेड बाय एन एन कितना है सर दस डिवाइडेड बाय हंड्रेड प्लस एक सौ डिवाइडेड बाय एन टू में सोल्व करिए एक करके सोल्व करिएगा थोड़ा धीरे धीरे थोड़ा धीरे धीरे आपने सोल्व करना है आप बताइए यहां पर सिंपल बताना आप इसको सोल्व करके क्या आया कितने फाइव पॉइंट फाइव पॉइंट एट फाइव प्लस इसको सॉल्व करने के बाद क्या आया माइन माइनस टू पॉइंट डिवाइड भी कर दिया तो वो भी तो बताइए माइनस जीरो पॉइंट अब नीचे वाले को सॉल्व करिए एक सौ एक पॉइंट फोर फाइव इन टू हंड्रेड सर क्या रिजल्ट आएगा यहां ये माइनस हो जाएगा ध्यान रखना आप बस फाइव पॉइंट बच्चों का जवाब आ गया सर फाइव पॉइंट एट फाइव आएगा फाइव पॉइंट फोर एट कुछ फाइव एट बोल रहे हैं फोर एट आ रहा है चेक कर लो क्रॉस वेरीफाई फिर मैं फोर एट लिख रहा हूं किसी को डाउट है तो बता दीजिए फटाफट जो बच्चे लाइव में कुछ ज्यादातर बच्चों का फोर एट आ रहा है कुछ का एट फाइव है ठीक है फोर एट है सर इसका कॉस्ट तो लिखी लू डिवेंचर का क्या लिखूंगा जीरो पॉइंट जीरो फाइव एट अगला निकाल ले हम क्या केपी चलिए केपी के ऊपर देखते हैं हम क्या क्या गिवन है हमें सर यहाँ पे हमें गिवन है मार्केट प्राइस 106 फ्लोटेशन कॉस्ट तीन रुपए रिडीमेबल एट पार सेम कहानी यहाँ पे रिपीट है और डिविडेंड कितना है इस पे ग्यारह परसेंट तो सर 11 परसेंट है अगेन केपी की देख बात कर रहे हैं केपी का फॉर्मूला क्या होगा डी और प्लस आरवी माइनस चलिए लिए डी क्या है क्वेश्चन में देखिए आपका डिविडेंड कितना दे रखा है 11% तो डी होगा 11 आरवी क्वेश्चन में कहता है रिडीमेबल वैल्यू एट पार तो 100 माइनस एनपी क्वेश्चन में देखिए मार्केट प्राइस क्या है हमारा शेयर का 106 और उस पे फ्लोटेशन कॉस्ट जाएगा 3% तो आप ध्यान से देखें तो हमारा क्या आएगा 106 का तो प्राइस है उस पे 3% माइनस करिए 3 रुपीस थ्री पॉइंट माइनस करके बताइए एक सौ दो पॉइंट एट टू ठीक है वन जीरो टू पॉइंट एट टू डिवाइडेड बाय कितने साल थे इसमें भी दस दस डिवाइडेड बाय हंड्रेड प्लस में एक सौ दो पॉइंट एट टू डिवाइडेड बाय टू टू हंड्रेड चलिए धीरे धीरे सॉल्व कर लीजिए इसको पहले ऊपर का हिस्सा तो क्या आ जाएगा ये ग्यारह माइनस ग्यारह माइनस जीरो पॉइंट टू एट टू डिवाइडेड बाय इस वाले पोर्शन को सॉल्व करिए एक सौ एक पॉइंट मल्टीप्लाई हंड्रेड वन आ रहा है इन टू हंड्रेड करिए ये क्वेश्चन पंद्रह नंबर का आया होगा क्योंकि सब कुछ करवा लिया इसमें लगभग बताइए थ्री पॉइंट फोर एट 10.56, पॉइंट 10 चलिए जवाब आ गया 10.56 या सेवन भी बच्चों ने दिया वो भी ठीक है और जिसने सिक्स दिया है वो भी ठीक है ठीक है समझ में आया चलिए लगे हाथ हम वो भी निकाल लेते हैं क्या के केई का फॉर्मूला क्या है डी वन डिवाइडेड बाय पी जीरो प्लस जी डी वन क्वेश्चन में देखते हैं सर डी वन क्या है सर्कल किया था मैंने डी वन डी वन डी वन कितने का है दो एक्सपेक्टेड डिविडेंड ग्रोथ कितना है पांच परसेंट मार्केट प्राइस क्या है लेकिन क्वेश्चन में फ्लोटेशन कॉस्ट भी है तो सर नेट नीचे पी जीरो जो है ना वो नेट प्रोसीड्स है तो सबसे पहले ये कितना था डी वन क्या था टू डिवाइडेड बाय चौबीस रुपए पी जीरो था लेकिन माइनस चार करेंगे क्योंकि यहां पे भी नेट प्रोसिड्स ही आएगा मल्ट प्लस में क्या रहेगा ग्रोथ कितना है जीरो पॉइंट जीरो सॉल्व करिए दो डिवाइडेड बाय बीस वो अंडरस्टैंडेबल रखा करो आप ये दोबारा वही कर रहा हूं मैं बताइए भाई कैलकुलेट करके चार रुपए हैं। हाँ बताइए कितने इसका इसका पहले सॉल्व करके बताओ भाई बीस को आपको बीस से डिवाइड करना है दो को पहले बताई अरे यार आप लोगों ने तो मैसअप कर दिया देखो ये सॉल्व करिए कैलकुलेटर आपके पास इसको है इसको सॉल्व करिए ये क्या आ गया इसको सॉल्व करने का जीरो पॉइंट अरे जीरो पॉइंट इसको इस हिस्से को वन प्लस हंड्रेड अंडरस्टैंडल अंडरस्टैंडेबल कि हंड्रेड होगा यही है देखते हैं लाइव में लाइव में भी बच्चों ने जवाब दे दिया है एकता का आ गया सचिन का आ गया श्वेता का आ गया आप सभी का आया प्रीति का भी आ गया था और भी बहुत बच्चों का आ गया आप सभी का आ गया था डन चलिए आते हैं याद रखना ये टेन पॉइंट फाइव सिक्स है और वो पंद्रह है यहाँ पे क्या पुट करना है हमें इक्विटी में जीरो पॉइंट और टेन पॉइंट क्या था तो जीरो पॉइंट वन फाइव सिक्स जीरो फाइव सिक्स अब क्या निकालें प्रोडक्ट करिए प्रोडक्ट एक लाख अस्सी हजार आप निकालते जाइए पॉइंट को इग्नोर करिए पॉइंट को इग्नोर इसका बताइए कितने पॉइंट सारा इग्नोर इट वन फाइव अब टोटल करिए इसका और इसका भी टोटल अच्छा दो लाख एट भी है जीरो एट इसका बताइए सत्रह समझ में आया अब क्या ऊपर निकाल दे चलो ऊपर क्या निकाल पहले यहां तक बताइए कोई डाउट है तो यहां तक बताइए कोई डाउट है तो फिर हम निकालेंगे आगे क्या डब्ल्यू ए सी सी सर डब्ल्यू ए सी सी क्या कहता है डब्ल्यू ए किसका मार्केट वैल्यू पे अगेन सिग्मा प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सिग्मा अमाउंट यानी स्टेट्स वाला ही काम कर रहा हूं मैं यहां तो सर ये आ जाएगा डबल टू वन डबल जीरो एट डिवाइडेड बाय सत्रह लाख सत्ताईस हजार दो सौ पचास इन टू मे हंड्रेड बारह पॉइंट सेवन नाइन ये लो ये आ गया मार्केट प्राइस तो आपको फील ही नहीं होगा कि मार्केट प्राइस और बुक वैल्यू में इतना ज़्यादा कोई डिफरेंस है सभी का ऑनलाइन में भी आ गया ट्वेल्व पॉइंट सेवन नाइन ठीक है कोई डाउट क्लियर तो हमने बुक वैल्यू भी देख लिया और मार्केट प्राइस भी देख लिया तो आपका ये क्वेश्चन था जो मैंने कर दिया है बाकी तो आप करेंगे इन्होंने निकाल लिया इनका बारह पॉइंट जो भी आ रहा है वो देख लेंगे एक क्वेश्चन आपको दिया जाए थोड़ा सिंपल सा देते हैं देखते हैं अभी कौन सा देना है आपको द नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंट थ्री पॉइंट सिक्स डिविडेंट पर शेयर एक्सपेक्टेड ग्रोथ ये ये टेन ईयर सेल्स कर रहे हैं सेलिंग प्राइस सेवेंटी सिक्स चलिए एक क्वेश्चन आपको दिया जाता है दोनों से करना है इसको इसमें पूरी टेस्टिंग हो जाएगी यह भी एग्जाम में आया हुआ है 2016 हजार सोलह रहा आपके सामने क्वेश्चन पीडीएफ में डाल चुका हूं ऑलरेडी आप चेक करिएगा बताइए पहले सबको कोई दिक्कत इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं कर पाओगे या फिर मैं करूं अच्छा रिटेनरिंग अर्निंग भी है इसमें मुझे तो नहीं दिख रहा ओके मैं ही करता हूं फिर रिटेनरिंग अर्निंग मुझे ही कराना पड़ेगा चलो ये किस्मत आपके किस्मत में क्वेश्चन ही नहीं है मैं एक बुक वैल्यू से करूंगा फिर उसके बाद मार्केट प्राइस के हिसाब से करूंगा ठीक है बुक वैल्यू फिर मार्केट प्राइस तो फॉर्मेट बना लेते हैं फिर से आपको रिटेन अर्निंग भी समझाना है इसी क्वेश्चन में ये हो गया सोर्स ये हो गया अमाउंट ये हो गया कॉस्ट और ये हो गया हमारा प्रोडक्ट वर्किंग नोट पीछे कर लेंगे हम यहां दूसरा कर लेंगे मैं जो करने जा रहा हूं ये W कॉस्ट ठीक है और यहां पे करेंगे W क्लियर दोनों हो जाएगा वर्किंग नोट जहां आसपास जगह मिलेगा कर लेंगे सबसे पहले हमें समझना क्या है रिटेन अर्निंग क्वेश्चन पूरा करते हैं जैसे रिटेन अर्निंग का पॉइंट आएगा दोनों कंपेयर करके मैं फटाफट आपको बता दूंगा कोई दिक्कत नहीं होने वाली है चलिए सर लिखते हैं यहाँ पे क्या क्या मेंशन है क्वेश्चन में कहता है कंपनी का इक्विटी शेयर दस रुपए का है और ये देखो करोड़ में है तो मैं भी करोड़ में डिजिट ले लू कोई फर्क नहीं पड़ता या फिर पंद्रह करोड़ है तो पंद्रह सौ लाख भी लिख दू या पूरे डिजिट लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता प्रेफरेंस सौ रुपए का है ये वन करोड़ है सर रिटेन अर्निंग इस पे तो अभी क्वेश्चन मार्क ही लगा रहे हैं डिवेंचर दो तरीके का एक लोन है एक डिवेंचर है ये भी करोड़ में है द नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंट ऑफ थ्री पॉइंट सिक्स क्या कौन सा डिविडेंट है डी वन डी जीरो डी वन दे रखा है द शेयर ऑफ डिविडेंट इज शेयर द एक्सपेक्टेड द ग्रोथ रेट दे दिया द मार्केट प्राइस फोर्टी रुपीज ठीक है ना के ही निकल जाएगा बड़े आसानी से प्रेफरेंस शेयर प्रेफरेंस स्टॉक कह दिया रिडीमेबल आफ्टर एक्सपायरी ऑफ टेन ईयर द करेंटली सेलिंग प्राइस कितने का है तो सर सेवेंटी फाइव यूज होगा हमारा मार्केट प्राइस में और बुक वैल्यू में यूज होगा जो ऊपर प्रेफरेंस शेयर दे रखा है करोड़ करोड़ वे वन करोड़ आएगा डिबेंचर कहता है रिडीमेबल आफ्टर ईयर द सेलिंग प्राइस एट्टी मार्केट प्राइस के लिए एट्टी बाकी हमारा सौ रहेगा इनकम टैक्स कहता है फोर्टी परसेंट कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल दोनों के हिसाब से निकाल के बताइए तो पहले मैं लिख लेता हूं इक्विटी शेयर कैपिटल है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है रिटेन अर्निंग है आरई बोल देता हूं इसे और डिवेंचर भी है ना इलेवन पॉइंट फाइव परसेंट और क्या है कितने परसेंट इलेवन परसेंट लोन पहले एक एक करके हम सारा के डी केपी की निकाल लेते हैं सबसे पहले के डी निकालते हैं अब फार्मूला लिख लेते हैं के डी का क्या फार्मूला था लिखने की जरूरत है क्या फॉर्मूला डायरेक्ट कर देता हूँ फॉर्मूला तो अभी इतने सारे लिखा ही है शुरू से लिख रहे हैं तो फॉर्मूला लिखना है नहीं है सबसे पहले आप ये डिसाइड करो कि वो आरबी वाला और एन पी वाला होगा या फिर सिंपल वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें रिडीमेबल वाला है तो बड़े वाला फॉर्मूला लगेगा ये भी आपको पता होना चाहिए तो डिबेंचर कितने परसेंट है हमारा इलेवन पॉइंट फाइव तो इंटरेस्ट हो गया इलेवन पॉइंट वन माइनस टी तो वन माइनस टी में जीरो पॉइंट फोर प्लस कर देंगे रिडीमेबल वैल्यू कहता है कि जो डिवेंचर है ना आफ्टर सिक्स ये कहता है आफ्टर ये नहीं बताया कितने का करेगा लेकिन अस्सी रुपए तो नहीं बताया कितना होगा नहीं होगा तो हम ये मान लेते हैं कि सिक्स ईयर के बाद रिडीमेबल होगा हमारा एट पार जब बताया नहीं क्वेश्चन में रिडीमेबल किस बेसिस पे होगा तो सिंपल सी बात है आपको किस पे करोगे आप एटफॉर नेट प्रोसीड आज के डेट में आप डिवेंचर लेने जाओगे क्या कोई फ्लोटेशन कॉस्ट वगैरह है यहां पे देखो नहीं है आज के डेट पे अगर आप डिवेंचर को इश्यू करते हो तो कितने का पड़ेगा आपको एटी दे रखा है ना बताओ कितने दे रखा है एटी का बिल्कुल अभी मैं बताऊंगा उसको आगे लेके चलूंगा डिवाइड करेंगे इसको सर किससे डिवाइड करोगे इसको एन से एन कितना है सौ प्लस बिल्कुल सौ से भी अभी देखते हैं समझते हैं क्या है नहीं है पहले इसका बताइए फटाफट क्या आता है सॉल्व करिए पूरा बताइए मुझे कितना रहे इलेवन पॉइंट चलिए मैं अभी सिर्फ यहां पे लिख लिया फिर से अगेन आ जाएगा यहां पे क्या इक्विटी शेयर कैपिटल और आ जाएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और लिख लेते हैं रिटेन अर्निंग जो मुझे मेन समझाना है उसके भी बात करेंगे एक बच्चे का डाउट भी था वो भी सॉल्व कर लेंगे और क्या था इलेवन पॉइंट और था हमारा इलेवन परसेंट लोन यही था दोनों में अब बात पहले कर लेते हैं रिटेन अर्निंग पहले के ई भी निकाल लेते हैं अभी इसको निकाल लेना इस पर डिस्कस कर लेंगे बुक वैल्यू लेना है हमारे पास स्पेस है अवेलेबल के ई भी निकाल लेते हैं सर के ई क्या है अभी अमाउंट कोई भी फिल नहीं किया यहाँ का अमाउंट तो लिख ही सकते हैं ना सर क्या आएगा यहाँ पे मैं लाख में लिख रहा हूं पंद्रह सौ लाख और सौ लाख और दो सौ लाख और दो हजार कौन सा दो हजार लाख अच्छा इसका क्या आएगा दूसरे का बताओ इसका एक हजार लाख भाई कुछ बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे मैं दोबारा बता दूं कि एक करोड़ में सौ लाख होते हैं उसी से मल्टीप्लाई मैंने हंड्रेड हंड्रेड से कर दिया किसी को बस और एक सौ ये बुक वैल्यू ले लिया मार्केट प्राइस के लिए कौन बताएगा मार्केट प्राइस इक्विटी का क्या लेना चाहिए पहले के ही निकाल लेते हैं फिर डी वन डिवाइडेड बाय पी जीरो प्लस में जी सर डी वन दे रखा है क्वेश्चन में कितना दे रखा है सर थ्री पॉइंट क्वेश्चन में दे रखा है कितने चालीस प्लस जी दे रखा है कितने जीरो पॉइंट जीरो सेवन मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड तो है ही तो आप फटाफट से इसको सॉल्व करके दिखाएं क्या आ गया सिक्सटीन परसेंट करिए एक बार सॉल्व सिक्सटीन ठीक है सभी बच्चों का जवाब आ गया सिक्सटीन चलिए अब इसका रेट बता दीजिए मुझे इक्विटी क्या लेंगे मार्केट प्राइस में सर मार्केट प्राइस में पहले नंबर तो बताना पड़ेगा ना नंबर की बात करें तो यहाँ पे पंद्रह करोड़ है तो पंद्रह करोड़ डिवाइडेड बाय अगर मैं दस कर दूं तो वन पॉइंट फाइव सी आ जाएगा समझ में आए कैसे वन पॉइंट फाइव सी सिंपल क्या आ जाएगा हमारा या पंद्रह करोड़ आप जब लिखोगे और डिवाइडेड बाई दस तो क्या आ जाएगा हमारा वन पॉइंट यानी पंद्रह पचास लाख वन पॉइंट फाइव हो जाएगा ना एक सौ पचास लाख सर एक सौ पचास लाख नंबर ऑफ शेयर्स हैं क्योंकि हम एक सौ पचास लैक्स में चल रहे हैं इसलिए लैक्स में कन्वर्ट कर लिया अब एक शेयर कितने का है मल्टीप्लाई करिए एक सौ पचास इंटू चालीस कितने हो गए छे छ हजार छ हजार होगा तो यह आएगा कोई दिक्कत पहले देख लीजिए आप फिर प्रेफरेंस शेयर का आपको बताना है प्रेफरेंस शेयर का मैं आपका वेट करूंगा आप बताइए कैसे करिएगा फिर फ्रेंच शेयर में आपका वेट करूंगा बताइए बताइए प्रेफरेंसर सेवनटी फाइव सेवेंटी फाइव आंसर आ गया तो यहाँ सेवेंटी फाइव नंबर बताया मल्टीप्लाई करके बताया सेवेंटी फाइव लैख अब आगे बताइए रिटेन अर्निंग का छोड़ दीजिए आप अभी बाद में बात करेंगे आप डिबेंचर का बताइए इलेवन पॉइंट फाइव परसेंट डिवेंचर कितने आ गए प्रेफरेंस शेयर सौ रुपए का है सेवेंटी फाइव ही आएगा ना ठीक है आप ये बताइए आप क्या है कितने आएंगे आठ करोड़ यानी आठ सौ लाख ऐसे आप लोन बता दीजिए सर लोन है 1250 आप इसको मल्टीप्लाई डिवाइड तो करने का कोई सवाल ही नहीं होता मार्केट प्राइस कुछ है भी नहीं ये क्या आएगा इसमें कोई डिवाइड ही नहीं करना ठीक है अब रिटेन अर्निंग पे आ जाते हैं वर्ड है रिटेन अर्निंग सर रिटेन अर्निंग का मतलब क्या होता है एक फॉर्मेट में समझिए आप सबसे पहले हमारा आता है ईबीआईटी रफली बता रहा हूं और बहुत सारे टॉपिक कर रखे हैं हमने ये ईबीआईटी मान लेते हैं पांच लाख माइनस करते हैं इंटरेस्ट एक लाख बचा क्या चार लाख इसमें से माइनस कर देते हैं टैक्स मान लेते हैं दो लाख बचा क्या दो लाख इस दो लाख को दो हिस्से में बांट देते हैं एक डिविडेंड में और जैसे मान लेते हैं मैंने फोर्टी परसेंट डिविडेंट देना है तो सर फोर्टी परसेंट इसका क्या आएगा अस्सी हजार तो डिविडेंट हो जाएगा बाकी का एक लाख बीस हजार रुपए हो जाएगा रिटेन अर्निंग काफी सारे क्वेश्चन में डिस्कशन किया हुआ है मैंने मेरा क्वेश्चन एक है जो कंपनी का इक्विटी शेयर मान लो मैंने कहा इस बार कंपनी का प्रॉफिट बहुत अच्छा आने वाला है तो हर किसी कंपनी का ना शेयर प्राइस फ्लक्चुएट होता है शेयर प्राइस फ्लक्चुएट होने का मतलब ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है समझे बात आप तो कंपनी का शेयर प्राइस फ्लक्चुएट की अगर मैं बात करूं तो सर शेयर प्राइस फ्लक्चुएट कब होता है जब कंपनी के अंदर न्यूज आता है कंपनी ने बोला हमारा प्रॉफिट बहुत ज्यादा हुआ तो बताइए इसके हिसाब से जो शेयर प्राइस होगा इक्विटी शेयर का वो बढ़ेगा या घटेगा बढ़ जाएगा बोला लॉस हो गया तो क्या होगा यानी जो मार्केट प्राइस शेयर का होता है ना वो प्रॉफिट या लॉस को ऑब्जॉर्ब कर लेता है उसी के हिसाब से चलता है तो अगर आपको मैंने बोला कि मेरे फेस वैल्यू दस है ओके कोई दिक्कत नहीं है मैंने बोला आपको फेस वैल्यू दस है तो कोई दिक्कत नहीं है इसके बाद अगर मैं आपको बोलूं कि सर मार्केट प्राइस इसका पंद्रह हो गया है तो ये रुपए में प्रॉफिट इंक्लूड ये पंद्रह हुआ है और फेस वैल्यू में तो प्रॉफिट इंक्लूड नहीं है तो यहां पे एक बात निकल के आता है कि जब कभी भी हम करते हैं बुक वैल्यू तो वहां रिटेन अर्निंग लिया जाएगा लेकिन जब मार्केट प्राइस करेंगे तो वो रिटेन अर्निंग वाला जो प्रॉफिट वाला हिस्सा है वो तो मार्केट प्राइस में इंक्लूड हो गया ना तो इसका मतलब यहां पे सिंपल सी बात ये है कि बुक वैल्यू में रिटेन अर्निंग का रोल होगा लेकिन मार्केट प्राइस के अंदर मार्केट प्राइस में रिटेन अर्निंग को नहीं लिया जाएगा क्यों नहीं लिया जाएगा सर ये 6000 में ऑलरेडी आ गया हो क्योंकि 6000 के अंदर उसका मार्केट प्राइस 40 कैसे आया होगा प्रॉफिट को देखते हुए आया होगा इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूड हो गया तब भी बच्चों का लगता है नहीं सर हमें रिटेन अर्निंग दिखा रहा है तो इसका दूसरा उपाय यह है कि जिस रेशो में यहां पे इक्विटी और रिटेन अर्निंग है जैसे मान लेते हैं फिफ्टीन और ट्वेंटी का है इस हजार को 15 और 20 में तोड़ दोगे ट्वेंटी वाला हिस्सा डाल दोगे रिटेन अर्निंग में और फिफ्टीन वाला डाल दोगे इक्विटी शेयर में अदरवाइज नो नीड टू के आप इसको ब्रेक करो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं जब मार्केट वैल्यू वाला क्वेश्चन होगा आपका तो ऐसे सिचुएशन में रिटेन अर्निंग अगर दे रखा हो इग्नोर करेंगे क्योंकि वो मार्केट प्राइस में फैक्टरिंग हो चुका है और अगर बुक वैल्यू वाला होगा तो उसमें रिटेन अर्निंग दिखाना होगा क्योंकि वो फैक्ट्री नहीं हुआ फेस वैल्यू अभी भी दस ही है और वो प्रॉफिट उसके ऊपर इंपैक्ट आया ही नहीं हमारे पे पहले तो ये बात समझिए आप पहले यहां तक समझिए और एक निचोड़ में अगर इसका जवाब दूं तो मार्केट प्राइस होगा तो रिटेन अर्निंग नहीं लेंगे और कॉस्ट प्राइस हुआ रिटेन अर्निंग हुआ यानी बुक वैल्यू वाला हुआ तो रिटेन अर्निंग ले लेंगे बताइए कोई डाउट आप टाइप करके बता दीजिए जिसका जो डाउट है अभी फिलहाल तो फिर मैं लास्ट में एक बार क्वेरी लूँगा गुड इवनिंग आप एक बार मुझे बताइए अगर कोई डाउट है तो सिंपल से लैंग्वेज में बता देता हूं चलो अगर मार्केट प्राइस वाला क्वेश्चन होगा यूजिंग मार्केट प्राइस तो सब कुछ जैसे सीखा है वही रहेगा बस उसके अंदर रिटेन अर्निंग अगर हुआ तो इसको इग्नोर कर देंगे क्योंकि वो इक्विटी शेयर के प्राइस में इंक्लूड है अगर कॉस्ट प्राइस वाला हुआ तो रिटेन अर्निंग लेंगे इसलिए मैंने आपके सामने रखा देखो इसके अंदर मैंने रिटेन अर्निंग हटा दिया है और यहाँ पे ये लिया हुआ है कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं बताइए चलिए आगे देखते हैं अब हमें क्या निकालना है सर के डी निकाल लिया ये के डी जो निकाला है ना एज पर मार्केट प्राइस ये तो दोनों जगह सेम ही रहेगा हमारा के ये मार्केट प्राइस है अभी मुझे के डी कॉस्ट प्राइस के हिसाब से निकालना पड़ेगा ठीक है मैं अगले पेज पे चलता हूं और अगले पेज पे मैं निकाल लेता इसे हटा देता हूं मार्केट प्राइस का मैं पहले एक मार्केट प्राइस का केपी निकाल लेता हूं। केपी मार्केट प्राइस पे सर केपी मार्केट प्राइस पे अगर निकालोगे तो केपी की अगर बात करें तो कितने रुपए का था हमारा डिविडेंड केपी में बारह परसेंट यानी बारह रुपए प्लस आरवी क्या था यहां पे रिडीमेबल वैल्यू कुछ नहीं बोला तो सौ माइनस मार्केट प्राइस अगर आज शेयर को हम खरीदते हैं तो कितने का है सेवनटी फाइव कितने का आएगा ये सेवेंटी फाइव डिवाइडेड बाई लाइफ कितना था इसका टेन 10 है हंड्रेड प्लस सेवेंटी फाइव डिवाइडेड बाय जल्दी जल्दी बताइए क्या है जवाब इसका अब मैं निकालूंगा के फास्ट के हिसाब से हाँ जी बताइए इधर निकाल लेंगे हम केपी नहीं परसेंटेज बताइए सेवेंटी सिक्स तो आ ही नहीं सकता ना बहुत ज़्यादा हो जाएगा आप इसको सॉल्व करिए करो भाई इतने सारे कैलकुलेटर है एक आंसर यस आई एम न्यूली ठीक है आपको पुरानी बैकअप वीडियो देखनी पड़ेगी जिन बच्चों की न्यू क्लास है डब्ल्यू अगर निकालने को बुक वैल्यू पे क्या है उसमें रिटेन अर्निंग का क्या रोल है रिटेन अर्निंग पूरा प्रॉफिट के साथ बताया जाएगा अभी मैं और भी एक्सप्लेन करूंगा हाँ हाँ जी सिक्सटीन पॉइंट फाइव सेवन लाइव क्लास में भी जवाब आ गया था चलिए अब के डी निकालते हैं कॉस्ट के ऊपर आप ध्यान से देखिए ये भी मार्केट प्राइस पे हो गया वो भी मार्केट प्राइस पे हो गया अब यहां पे ये भी मार्केट प्राइस अब कॉस्ट पे निकालते हैं कॉस्ट पे अगेन क्या होगा इंटरेस्ट इंटरेस्ट क्या था सर इलेवन पॉइंट फाइव इलेवन पॉइंट फाइव वन माइनस टी जीरो पॉइंट फोर प्लस RV, सौ और ये नहीं पता कितना सौ डिवाइडेड बाय एन कितने साल है छ और इन सभी के डिवाइड में क्या आ गया इसे सॉल्व करिए सिक्स पॉइंट so, समझे बात एक चीज और अभी आपको दिखाऊंगा मैं यहां ये शेयर कितने का था बारह का प्लस सौ माइनस सौ डिवाइडेड बाय दस डिवाइडेड बाय हंड्रेड प्लस हंड्रेड डिवाइडेड बाय टू इंटू में बारह परसेंट ठीक है अब आप देखोगे हमारा जो ये आर वी वाला इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला जो बनाया था ना हमने आर वी एन पी ये इसलिए एप्लीकेबल हुआ और तभी कामयाब है ये फॉर्मूला जब फ्यूचर के अंदर हमारा देना लेना फ्लेक्चुएट हो अगर सौ लिए और सौ रिटर्न करे तो रिडीमेबल के फॉर्मूले का कोई मतलब नहीं बच जाता सौ लिए और सौ रिटर्न करे इसको देखो वही वाला फार्मूला मैं यहां पे लगा के दिखा रहा हूं देखना सौ लिए हैं मैंने और सौ रिटर्न करूंगा फिर दोबारा मैं समझा देता हूं आराम से जब कभी भी आपका रेडीमेबल वैल्यू और आपका नेट प्रोसीड दोनों वैल्यू सेम हो तो फ्लेक्चुएशन तो हुआ ही नहीं ना तो उस सिचुएशन में आपका फॉर्मूला इतना लंबा लिखने का कोई फायदा नहीं है सर क्यों नहीं है क्योंकि देखो अभी मैं आपको दिखाता हूं कि सर अगर मैं सिंपल फॉर्मूला लेता तो केडी में करता 11.5 1 t 0.4 नेट प्रोसीड्स 100 में 100 तो जवाब आएगा 6.9 चेक कर लीजिए क्योंकि ये वाला फैक्टर तो तभी कामयाब होता है जबकि हमारा फ्यूचर में देना है 10 है 10 रुपए एक्स्ट्रा देना है या 10 रुपए कम देना है तो उसका फैक्टर ले, ले लेते हैं हम कितना रहेगा एवरेज समझ में आई बात आपको तो यानी यहां पे ये वाला फार्मूला लगा लगा सकते हो बाकी आप पूरा लिख लो रिमाइंड रखने के लिए बहुत अच्छी बात है आपने रिडीमेबल वाले को पूरा है वो करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा इसके अंदर कई बार भूल सकते हो आप पूरा करो मैंने शॉर्टकट बता दिया कि जब दोनों सेम हो जाए तो वही रहेगा सेम के पे भी अप्लाई हो जाएगा केपी पे क्या करोगे बारह डिवाइडेड बाय सौ इंटू मै हंड्रेड बारह परसेंट ही आएगा जो कि आया है हमारा क्योंकि ये तो जीरो ही हो गया ना और ये भी सौ ही रह गया एवरेज करा तो हमने ठीक है तो चलिए आते हैं यहां पे के ई का रेट क्योंकि के ई का रेट दोनों जगह सेम रहेगा सिक्सटीन जीरो पॉइंट वन सिक्स इसका रेट क्या था जीरो पॉइंट क्या है भाई भैया प्रशियर तो इसमें बारह ही आएगा क्योंकि कोई चेंज तो होगा नहीं तो जीरो पॉइंट वन टू यहां पर क्या है डिबेंचर का डिबेंचर का बिल्कुल सही बात है निकाला था सिक्स पॉइंट नाइन जीरो पॉइंट क्या लिखे ओके हाँ एक बात और बताना था सर रिटेन अर्निंग का रिटेन अर्निंग का क्या रेट लोगे जो इक्विटी का रेट होता है वही रिटेन अर्निंग का रेट होता है ये ये भी आप याद रखें हमेशा क्योंकि इक्विटी का ही पार्ट है तो जो केई का रेट होगा वही रेट यहाँ पे लगेगा ये हमेशा याद रखना है नहीं निकालेंगे ही नहीं जब केई निकल गया ना क्योंकि रिटेन अर्निंग किसका हिस्सा है इक्विटी का तो वही रेट यहाँ अप्लाई कर देते हैं ठीक है अब ये कितना आया था जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो सिक्स नाइन जीरो पॉइंट जीरो सिक्स नाइन इसका नहीं पता लोन का कहीं निकाला हमने भाई नहीं निकाला लोन का तो एक ही रहेगा हमेशा चलिए लोन का निकाल लेते हैं के बी का निकाल लेते हैं इंटरेस्ट क्या था इलेवन इलेवन वन माइनस इसमें कोई रिडीमेबल उडेमेबल है नहीं अब यहाँ पे भी ना आपको देखो यहाँ पे के बी में अब देखना अब इलेवन नहीं रख सकते हम क्योंकि यहाँ पे कोई हमारा फेस वैल्यू तो एक है नहीं अब आपको यहाँ पे इलेवन रखने की बजाय पूरा इंटरेस्ट लेना पड़ेगा यहाँ समझना बात को तो पूरा इंटरेस्ट अगर मैं कैलकुलेट करूं यहाँ पे तो सर यहाँ पे इंटरेस्ट कितना आएगा कितना है हमारा 1250 पे 11 परसेंट निकालिए 1250 पे 11 परसेंट निकालिए क्या गया तो 135 अब इस पे लगेगा 1 माइनस जीरो डिवाइडेड आएगा ग्यारह सो ग्यारह पचास था बारह सो था बारह सो पचास रहेगा इन टू हंड्रेड अब रेट निकालिए सिक्स पॉइंट तो सर दोनों जगह रेट सेम रहेगा क्योंकि यहाँ पे मार्केट प्राइस और बुक वैल्यू लोन वाले में तो नहीं होता अब कुछ बच्चों को डाउट हो सकता है सर ये कैसे निकाला है तो मैं बता दू बारह का था लोन उसके ऊपर निकाला मैंने कितने परसेंट ग्यारह ना उसके ऊपर ग्यारह परसेंट तो आपका इसका जवाब आया एक सौ सैतीस पॉइंट पांच तो सिंपल सी बात है हम तो सिक्स पॉइंट सिक्स ले लेते हैं अभी फटाफट करते हैं जीरो पॉइंट जीरो सिक्स 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 अब मल्टीप्लाई करिए फटाफट किसका ये टू फोर्टी ट्वेल्व तीन सौ बीस सिक्सटी नाइन कितने 82.5 अभी यहां पॉइंट ले लेना भाई एक करोड़ों में चल रही है लाखों में डिजिट है ठीक है अब इसका टोटल करिए फाइव एट फाइव जीरो बस इतना ही है ना इसका टोटल सेवन थ्री पॉइंट फाइव ठीक है मैं यहां सीधा डब्ल्यू ए सी सी निकाल रहा हूँ सर डब्ल्यू ए सी सी होगा हमारा सेवन ट्वेंटी थ्री पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाय अट्ठावन सौ में सौ बता दीजिए मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ यहाँ पे हाँ बारह पॉइंट छत्तीस ठीक है सर दूसरे का आप बताइए फटाफट सर यहां पे क्या आएगा के के में कोई बदलाव नहीं है सेम रहेगा जीरो पॉइंट वन सिक्स प्रेफरेंस शेयर का क्या था चेंज था प्रेफरेंस शेयर का क्या निकाला था देख लेते हैं नहीं 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 नहीं, नहीं इसका कुछ निकाला था देखो सिक्सटीन पॉइंट फाइव सेवन तो जीरो पॉइंट वन सिक्स फाइव सेवन का क्या था यही निकाला है इलेवन पॉइंट और सर लोन का वही रहेगा जो पहले निकाला था जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो सिक्स सिक्स करिए मल्टीप्लाई ये नाइन सिक्सटी ये जीरो है जीरो आ रहा है ट्वेल्व पॉइंट फोर 12.4 है ना 12.5 लेके खत्म करो हटाओ मानता हूँ डिजिट ज़्यादा है हो जाएगा वो what है ये क्या है मुझे बताओ 12.42 रख के ख़तम करते 19. जीरो एट रख के खत्म करो इसका इसका तो आया था ना अभी एटी टू पॉइंट चलिए टोटल कर लीजिए एट वन अगला इलेवन सेवन ठीक है चलिए इधर निकाल लेते हैं डब्लू ए सी सी चलिए इधर निकाल लेते हैं डब्लू ए सी सी क्या आएगा इलेवन फोर्टी फाइव पॉइंट सेवन डिवाइडेड बाई इक्यासी सौ पच्चीस इंटू में हंड्रेड बताइए क्या आया ठीक है थोड़ा बहुत फर्क चलेगा अगेन मार्केट प्राइस में इस क्वेश्चन में क्या समझा हमने सबसे पहले तो देखो मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ उस चीज़ों को सुनना तो आराम से समझ में आएगा मार्केट प्राइस और बुक वैल्यू जब दोनों टाइप का क्वेश्चन पंद्रह नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है जब दोनों टाइप का क्वेश्चन हो तो ऐसे सिचुएशन में मार्केट प्राइस का सारी कॉस्टिंग अलग हिसाब से निकलता है और आपका बुक वैल्यू का सारा कॉस्टिंग अलग निकाल से हिसाब से निकलता है कॉस्टिंग का मतलब मैं इस कॉस्ट की बात कर रहा हूँ के ई के डी के पी पहली बात मार्केट प्राइस वाला मार्केट प्राइस के हिसाब से और बुक वैल्यू वाला बुक वैल्यू के हिसाब से दूसरा अगर रिटेन अर्निंग है तो मार्केट प्राइस वाले में रिटेन अर्निंग को इग्नोर करेंगे और बुक वैल्यू में रिटेन अर्निंग को लेंगे तीसरी बात रिटेन अर्निंग का का रेट रेट वही रहेगा बुक वैल्यू में जो कि किसका था हमारा इक्विटी वाले का। बाकी केई के डी के, सब कुछ अलग अलग आ सकता है मेरे इस वाले क्वेश्चन में केई दोनों में कॉमन ही आए तो मैंने कॉमन ले लिया बाकी अलग अलग हो सकता है इस बात का आप ध्यान रखना ऐसा नहीं कि हमेशा सेम रहेगा आ कहना है केडी के तरह इंटरेस्ट लिख सकते हैं लेकिन पूरा लिखना पड़ेगा यहां पे फेस वैल्यू है नहीं अब बता दीजिए जो इस टॉपिक में डाउट है तो इसका हमने अभी क्वेश्चन कौन सा करा ये फिफ्टीन था और फिफ्टीन के अंदर अब देखो यहाँ कुछ बच्चे मे भी कन्फ्यूज हो सकते हैं जो सोल्यूशन दिया के डी इंटरेस्ट वन माइनस टी करके वही वाला बेसिक सा फॉर्मूला लगा दिया तो बोलेंगे सर ये कैसे लग गया है यहाँ तो रिडीमेबल है लेकिन क्या बताया जहाँ पे आपका दोनों पार्ट सेम आ जाता है ना रिडीमेबल वैल्यू और वो तो ये फार्मूला भी लगाओगे चलोगे बाकी आप बड़े वाला लगाओ तब भी आंसर देखो सेम ही आएगा ये निकाल दिया इन्होंने ये दूसरा मेथड है दूसरे मेथड को बाद में डिस्कस करेंगे ट्वेल्व पॉइंट थ्री नाइन नाइन हमारा क्या आया था थ्री सिक्स तो दो तीन रुपए का फर्क पॉइंट वाला आ गया होगा दो तीन पॉइंट का उससे कोई दिक्कत नहीं है अगले पे चलते हैं सर ये आ गया फोर्टीन पॉइंट वन थ्री सेवन हमारा क्या आया था फोर्टीन पॉइंट वन जीरो तो इसमें भी पॉइंट थ्री का लगभग लगभग इतना मैंने पहले ही बता दिया था कि चलेगा हाँ तो वो डिजिट का आ गया होगा तो दोनों क्वेश्चन आपके हो गए कोई डाउट है तो अब मुझे बता दीजिए आपके सामने ये रहा क्वेश्चन वर्किंग नोट पीछे भेज पीछ पे KD कैसे निकाला है आ, आ, रिटेन अर्निंग को अलग से निकालना नहीं है वो के ही का रेट लगेगा कॉस्ट प्राइस पे और मार्केट प्राइस पे होता ही नहीं है में 75 ऐसे आया पता नहीं कोई अपने आपस में बात कर रहे हैं प्रेफरेंस शेयर का सेवेंटी फाइव तो रेट दे रखा है शायद ये yeah, देखिए